हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई देयर इज अ नीड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। उसके लिए हमें प्री जीएसटी रिजिम की डेफिशिएंसी को जानना पड़ेगा। प्री जीएसटी रिजिम में देयर आर मल्टीपल टैक्स जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वेट, जीएसटी एक्स्ट्रा लागू होते थे। एग्जाम्पल के लिए, अगर ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ए, देन इट विल हैव टू पे एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर। वही प्रोडक्ट जब ए लिमिटेड सेल करेगी तो उसको वेट या फिर जीएसटी भरना पड़ेगा। हियर ए लिमिटेड कैन नॉट टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ए फॉर द पेमेंट ऑफ वेट। सेम वे क्रेडिट ऑफ वेट इज आल्सो नॉट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। देयरफॉर इट विल लीड टू कैस्केडिंग इफेक्ट, दैट इज डबल टैक्सेशन ऑन वन प्रोडक्ट। और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो उस पर आपको सर्विस टैक्स भरना पड़ेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती थी। देयरफॉर देयर इज अ टू लेयर ऑफ टैक्सेशन, वन इज लेविड बाय सेंट्रल एंड अनदर लेविड बाय स्टेट, बट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ वन इज नॉट अवेलेबल टू अदर एंड वाइस वर्सा। फर्दर एक्साइज ड्यूटी इज लेविड ऑन मैन्युफैक्चर एंड वेट इज लेविड ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। Service tax is levied on supply of services, but most interesting is what is manufacture, what is goods, and what is services. These three words, manufacture, goods, and services, are a subject matter of litigation. Sometimes, on the same item, central will treat it as services and it will levy service tax, while the state treat as goods and it will levy VAT or GST. Therefore, we have to pay taxes of both central and state without any ITC. This will lead to the high cost to the consumer, non-competitive product in an international market. Further, different states have their own VAT rate or CST rate. That means there are multiple VAT rate prevailing in a different state. Therefore, the same product have a different price in different state. Therefore, there is a lack of common market इन दी कंट्री। इन सारी डेफिशिएंसी को हटाने के लिए जीएसटी को लाया गया। जीएसटी इज अ सॉल्यूशन फॉर ऑल द डिस्कस प्रॉब्लम। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इट इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। मीन्स जहाँ पे कंज्यूम हुआ होगा या फिर जहाँ पे सप्लाई हुई होगी उसी स्टेट को इसका टैक्स मिलेगा। जीएसटी इज लेविड एट ऑल द स्टेज राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर अप टू the final consumption with credit of all taxes paid at previous stages available for setup. Only value addition will be taxed and burden of tax is borne by final consumer. So friends, in short, feature of GST क्या है? GST is a value added tax. Only on value addition we have to pay tax. It is destination based tax, it is consumption based tax, it is taxed on both goods and services, it is taxed on supply. In comprehensive and continuous chain of input tax credit, क्योंकि प्री जी एस टी रिजिम में हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती थी, उसका प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया है। एंड फाइनल बर्डन ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर। जी एस टी आने से फायदा ये होगा कि गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ेगी, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू स्ट्रक्चर बढ़ेगा। फर्दर हमारी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव होगी। सेम टैक्स स्ट्रक्चर इन ऑल ओवर द इंडिया, मींस वन नेशन वन टैक्स। फर्दर ऑल द प्रोडक्ट हैव कॉमन मार्केट एंड कॉमन प्राइस। देयर इज अल्टीमेट बेनिफिट बाय इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन कंपैरिजन टू प्री जीएसटी रिजिम। थैंक यू।